हेलो फोक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। सो स्टिक अराउंड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज के कम्युनिकेशन स्किल सेशन में सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि असेसमेंट है, आप जब पूरी वीडियो देख लेंगे तो आप असेसमेंट में हिस्सा लें, बहुत ज़रूरी है ये समझने के लिए आपके लिए भी कि आपने कितना समझा है, कितना सीखा है इस वीडियो ट्यूटोरियल में। और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पूरी वीडियो देखें, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ अगर आपने अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन स्किल को समझना है। अगर आप बस थोड़ा सा इंट्रो देखेंगे और वीडियो बंद कर देंगे तो फिर आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। सब्सक्राइब करें इस चैनल को अगर आपने नहीं किया, और शेयर करें दूसरों के साथ ताकि ये नॉलेज फैल सके दूसरे लोगों के साथ भी। चलें आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल। जब जो कि मैंने लास्ट सेशन में भी, लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में भी मैंने कहा था कि कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कम्युनिकेशन स्किल के बारे में अगर ये सोचते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये बिल्कुल गलत बात है। कम्युनिकेशन स्किल सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। ये स्किल ऐसी स्किल है ना कि सिर्फ आपके काम कारोबारी जिंदगी में काम आएगी, बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी ये काम आएगी कम्युनिकेशन स्किल। तो कम्युनिकेशन स्किल है क्या, किसे कहते हैं कम्युनिकेशन? सो कम्युनिकेशन स्किल इज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, फीलिंग्स एंड एटीट्यूड। तो कम्युनिकेशन स्किल ऐसी है कि ये एक प्रोसेस है जिसे आप दूसरों के साथ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, अपनी फीलिंग्स शेयर करते हो, या आपके साथ दूसरे लोग आइडियाज, इंफॉर्मेशन और फीलिंग्स शेयर करते हैं उनकी। तो अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए हमें ये चीजें समझने की जरूरत है। तो दो टाइप की कम्युनिकेशन स्किल होती है। पहली है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप जो कम्युनिकेशन करते हो या आपके साथ कोई कम्युनिकेट करता है, वर्ड्स इस्तेमाल करके, लफ्जों का इस्तेमाल करके जो भी कम्युनिकेशन होती है उसको वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। और वर्बल कम्युनिकेशन इजीली आप दो लोग या दो लोग से ज्यादा जब एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और लफ्जों का इस्तेमाल जो हो रहा था उसको वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। दूसरी टाइप की जो कम्युनिकेशन है, जो कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये टाइप की कम्युनिकेशन स्किल जो है ये बॉडी लैंग्वेज, टोन ऑफ वॉइस के जरिए कम्युनिकेट करते हैं हम दूसरों के साथ। जब भी हम लफ्जों का इस्तेमाल करके बात कर रहे होते हैं किसी से तो हमारी बॉडी लैंग्वेज और टोन ऑफ वॉइस उसमें शामिल होते हैं। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये चीजें समझने की हमें ज्यादा जरूरत है। किसने क्या बात कही है उससे ज्यादा ये समझना जरूरी है कि किसने कैसे बात की है। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल है। वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को अगर देखा जाए तो वर्बल कम्युनिकेशन सिर्फ 7% यानी 7% उसका रोल है कम्युनिकेशन स्किल में, जबकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का 93% यानी के 93% रोल है कम्युनिकेशन का, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इस कम्युनिकेशन स्किल में। और मजे की बात यह है कि हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे इतना फोकस नहीं करते, ध्यान ही नहीं देते। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो कि ये सुनते हैं कि किसी ने क्या कहा है, लेकिन किसी ने कैसे कहा है ये इस पे बहुत कम ध्यान दिया जाता है, जो कि बहुत गलत बात है। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल में क्या क्या आ जाता है? पहले आती है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज देखिए 55% बॉडी लैंग्वेज का किरदार है, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज का कम्युनिकेशन में। 38% टोन ऑफ वॉइस, मतलब टोन ऑफ वॉइस मतलब जो कौन कैसे किस लहजे में बात कर रहा है, जैसे उर्दू में हम बोलते हैं। और 7% सिर्फ वर्बल यानी लफ्जों का इस्तेमाल होता है। तो इसमें अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा परसेंटेज हाई किसकी है? बॉडी लैंग्वेज की है। बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग बॉडी लैंग्वेज से भी कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है।
अब वर्बल कम्युनिकेशन में जैसे मैंने पहले बताया है कि वर्ड्स आ जाते हैं, वर्ड्स चाहे वो स्पोकन वर्ड हो, मतलब बोल के जो लफ्जों का इस्तेमाल होता है, या फिर रिटन वर्ड्स भी हो सकते हैं, यानी ईमेल्स, लेटर्स, मैसेजेस, आजकल के दौर में व्हाट्सएप, मैसेंजर्स, वो सब रिटन वर्ड्स होते हैं, वो वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाते हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में मोस्टली बॉडी लैंग्वेज और टोन ऑफ वॉइस के बारे में चीजें आती हैं। जो बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं तो मतलब जेस्चर, जेस्चर्स मतलब आपके हैंड्स मूवमेंट क्या है, आपके हैंड्स कैसे मूव कर रहे हैं जब आप दूसरों के साथ बात कर रहे हो, उनको जेस्चर्स बोलते हैं। आसान लफ्जों में मैं बता रहा हूँ। आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आई कांटेक्ट करना, अप्रोप्रिएट आई कांटेक्ट, हाँ अप्रोप्रिएट, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अप्रोप्रिएट आई कांटेक्ट करना दूसरे लोगों के साथ जब वो कम्युनिकेट कर रहे हैं हमसे या हम उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप आई कांटेक्ट करते हो तो अगला बंदा आपको कॉन्फिडेंट समझता है। एक्सप्रेशन, ये फेशियल एक्सप्रेशन की बात हो रही है, जब कोई हमसे कम्युनिकेट कर रहा है या हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो एक्सप्रेशन, जो फेस के एक्सप्रेशन होते हैं, उन पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए, जो कि हमें बहुत अच्छे क्लूज भी देते हैं कभी कभी। लिसनिंग, लिसनिंग तो सबसे अहम स्किल है कम्युनिकेशन के अंदर, सबसे अहम जो है वो लिसनिंग है। उसकी वजह यह है कि अगर आप अच्छे तरीके से सुनोगे नहीं किसी की बात को, समझोगे नहीं आप किसी की बात को, तो आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो हमें सुनना चाहिए अच्छे तरीके से, समझना चाहिए, और फिर उसके हिसाब से हमें एक्ट करना चाहिए। अपीयरेंस, आपकी अपीयरेंस कैसी है वो भी बहुत मैटर करती है। अपीयरेंस मतलब आपका हुलिया, अगर कोई आपको देखता है तो आप कैसे दिखते हो, आपकी ड्रेसिंग, आपके हेयर स्टाइल, आपके शेव, अगर आप मर्द हो तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर टच मतलब हैंडशेक, बहुत सारे लोग हैं जो कि हैंडशेक से अंदाजा लगा लेते हैं कि आगे उनके इंटरेक्शन कैसे होने वाला है। तो ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाता है। और वर्बल कम्युनिकेशन में जैसा कि मैंने पहले बताया था, वर्ड्स, वो चाहे स्पोकन वर्ड्स हो चाहे वो रिटन वर्ड्स हो। ये था कम्युनिकेशन स्किल। अगर इसको हम समराइज करें, समराइज ये मैं करूंगा कि कम्युनिकेशन स्किल क्या है। कम्युनिकेशन स्किल इंफॉर्मेशन, आइडियाज, फीलिंग्स और एटीट्यूड को शेयर करने को कहते हैं। दो टाइप की कम्युनिकेशन स्किल होती है, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन में लफ्जों का इस्तेमाल होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर्स और टोन ऑफ वॉइस का इस्तेमाल होता है। वर्बल कम्युनिकेशन स्किल 7% उसका कंट्रीब्यूशन है और 93% नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का कंट्रीब्यूशन है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हुई नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज इसमें 55% उसका किरदार है, बॉडी लैंग्वेज का 38% टोन ऑफ वॉइस। सो ये दोनों नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल में ही आते हैं। तो उम्मीद है आपने कुछ सीखा होगा। अगले जो एपिसोड है या सेशन है उसमें हम बात करेंगे फोर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये भी बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन स्किल के साथ समझना, और इसलिए मैं आपको अगले सेशन में फोर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बताऊंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकॉन क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं, और ये वीडियो को आप शेयर करें दूसरे लोगों के साथ। जितना शेयर करेंगे उतना ये नॉलेज फैलेगा, उतना ही लोगों को फायदा होगा और आपके लिए भी अच्छा होगा। तो बहुत शुक्रिया, आपने ये वीडियो ट्यूटोरियल देखा, थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं अगले वीडियो ट्यूटोरियल में फोर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कम्युनिकेशन। तब तक अपना ख्याल रखें, थैंक यू एंड टेक केयर।